माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर टीवी सीरियल बनाने के लिए मशहूर रामानंद सागर जी को कौन नहीं जानता। टेलीविजन प्रोडक्शन से पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई सारी फिल्मों की स्टोरीज और स्क्रीन प्लेज लिखे और साथ ही साथ 15 से भी अधिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण भी किया। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के पास एक गांव में एक बहुत बड़े संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनका नाम रखा गया जन्म के समय चंद्रमौली। उसके बाद उनका परिवार श्रीनगर आके बस गया। बचपन से ही उन्हें अपने असली माँ बाप का प्यार नहीं मिला, क्योंकि उन्हें माँ के रिश्ते के एक परिवार ने, जिनके बच्चा नहीं था, गोद ले लिया था और यहीं फॉस्टर पेरेंट्स ने उनका नाम बदल कर रख दिया रामानंद। अपने पिता की तरह लिखने के गुण उनमें बचपन से थे, जिसके चलते उन्होंने सन 1937 में सिर्फ 16 साल की उम्र में एक कविता लिखी, प्रीतम प्रतीक्षा, और इसे छपवाने के लिए वो श्रीनगर की श्री प्रताप कॉलेज मैगजीन के एडिटर से भी मिले। कविता पढ़कर संपादक महोदय बहुत इंप्रेस हुए, लेकिन उन्हें डाउट था कि सचमुच में ये कविता रामानंद सागर ने लिखी है। इसीलिए इसको पब्लिश करते समय एडिटर ने एक नोट लिख डाला, इसकी ओरिजिनैलिटी की जिम्मेदारी एडिटर की नहीं है। आगे आने वाले सालों में रामानंद सागर ने डेली मिलाप के लिए एडिटर के तौर पर भी काम किया और इस दौरान कई कहानियां लिखी, कविताएं लिखी। 1942 में टीबी से लड़ने के दौरान उन्होंने अदब मशरक मैगजीन के लिए डायरी ऑफ ए टीबी पेशेंट के नाम से आर्टिकल लिखे, जिसके चलते उन्हें फेमस राइटर कृष्णचंद्र ने बॉम्बे आने का इनविटेशन दे डाला। बॉम्बे आकर सागर साहब पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए और यहीं पर प्लेज भी लिखने लगे। इन्हीं दिनों राज कपूर आर के बैनर के तहत अपनी पहली फिल्म बरसात बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी मिल गई रामानंद सागर को और इसके बाद, इस कामयाबी के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई फिल्मों की कहानियां लिखने के बाद, एज ए राइटर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के बाद 1950 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, नाम रखा गया सागर आर्ट्स कॉरपोरेशन, और खुद की लिखी हुई पहली फिल्म प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, जिसका नाम था मेहमान। इसके बाद कई फिल्में प्रोड्यूस की, सुपर डुपर हिट फिल्में आरजू, ललकार, चरस, आंखें। रामानंद सागर जी को हम सब लोग पापा जी बुलाते थे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, आज के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के बड़े भाई हैं रामानंद सागर जी। वापस आकर बताऊंगा कि फिल्म सात हिंदुस्तानी में टीनू आनंद को मिलने वाला रोल कैसे मिल गया अमिताभ बच्चन को। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।